नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी और हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी जी मौजूद हैं। आज पतला में यहां पर कार्यक्रम में आए हुए थे। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पतला के लोगों ने हमेशा भरपूर प्यार दिया है और आज एक शुभ अवसर है। मेरी निधि से लगभग 10 लाख का एक जो है खेल की हमने उपक्रम दिए हैं। मैट दिया है, कबड्डी का, वॉलीबॉल का इक्विपमेंट दिया है और संस्था के बच्चों से मिले, अध्यापक, प्रधानाचार्य, पूरे मैनेजमेंट की टीम उपस्थित रही। उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए, आगे के लिए भी कुछ काम मुझे सौंपे हैं। एक बड़ा गौरव का पल चौधरी साहब, जो प्रीति पाल, उनका परिवार भी आज यहां पर आया हुआ था, क्या कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों के लिए? मेरी कल उनसे बात हुई तो मैंने विशेष दरखास्त उनसे की कि हम एक शिक्षण संस्थान में जा रहे हैं, बच्चे हैं और बच्चों के लिए प्रीति पाल एक आइडल है। उनको प्रेरणा मिलेगी अगर आप आके उनकी बात बताएंगे कि कैसे कैसे वो खेल के प्रति उनकी रुचि बनी, उन्होंने अपने हुनर को विकसित किया, मेहनत करी, हार नहीं मानी। और जो व्यक्ति ऐसे परिस्थितियों से जूझते हुए भी जीत सकती हैं प्रीतिपाल, तो हर एक बच्चे के अंदर वो सामर्थ्य है। अगर वो कुछ सोचेंगे और ठानेंगे और मेहनत करेंगे तो वो हासिल कर सकते हैं। तो बहुत बेहतरीन उदाहरण तैयार किया है प्रीति पे, पूरे देश को गर्व है। चौधरी साहब, हरियाणा में इलेक्शन है और गठबंधन के तहत राष्ट्रीय लोकदल की सीटों की बातें चल रही हैं, क्या कुछ साफ इशारा है कि लोकदल वहाँ पर चुनाव लड़ रही है, क्या कुछ बातें चल रही हैं? नहीं, ऐसे ही ऐसी कोई बात मेरे कानों में आई नहीं, पार्टी तय करेगी। उसके अलावा मीरापुर उपचुनाव को लेकर के भी काफ़ी सरगर्मी तेज है। अभी बीते दिनों हमने देखा वहाँ पर नेताओं का आना भी दौर जारी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, तैयारी कैसी है खासकर मीरापुर उपचुनाव के लिए? 8 तारीख को भी एक बैठक मीरापुर में जाके कर रहा हूँ और हमारा ग्राउंड लेवल पे, बूथ लेवल पे तैयारियों को हम दुरुस्त करें और वहाँ पे ध्यान दें। और जनता के काम तो सरकार में रह के हो ही रहे हैं, किसानों के लिए भी हम नीति बना रहे हैं किस प्रकार से, क्योंकि पूरी बेल्ट गन्ने की खेती बहुत यहाँ प्रभावशाली है और गन्ने की खेती से यहाँ संपन्नता भी किसानों ने देखी है। तो राज्य सरकार उन व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त करेगी कि समय पर किसानों को पेमेंट मिले और उचित मूल्य मिल पाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए। तो देखा आपने, जयंत चौधरी से हमने बात की, उनका ऐसा कहना है कि अभी तक हरियाणा में इलेक्शन को लेकर कुछ भी ऐसा संभव नहीं हो पाया है और ये तय नहीं हो पाया है कि कितनी सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल वहाँ पर चुनाव लड़ने जा रही है। लेकिन अगर मीरापुर उपचुनाव की बात करें तो जैसा कि जयंत चौधरी जी ने बताया कि 8 तारीख को वो एक बैठक करने वाले हैं वहाँ पर और तैयारी पूरी चल रही है और लगभग ये फाइनल है ही, जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मीरापुर विधानसभा पर राष्ट्रीय लोकदल चुनाव लड़ रही है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।